जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएड एजुकेशन के सेकंड कट ऑफ के बारे में। जी हाँ, कितनी गई है कट ऑफ तो चलिए जानते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बिल्कुल टू द पॉइंट ऑथेंटिक और विश्वसनीय जो है सूचना आप तक यहाँ से संप्रेषित की जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो है पहली जब आपकी कट ऑफ आई थी, चूँकि जो एमएड एजुकेशन विषय है इसकी सिर्फ और सिर्फ 63 सीट्स हैं और वो भी सिर्फ मेन कैंपस में, एफिलेटेड में कहीं भी एमिड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो पहली आपकी कट ऑफ आई थी, जब आपने देखा होगा जिन लोगों का एमिड है कि उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 159 मार्क्स था, जो कि आपका 160 से एक कम था। ईडब्ल्यूएस के लिए 148 के नियर अबाउट दिया था, ओबीसी 146 या उससे ज्यादा, एससी एसटी ऐसा दिया था। तो उस समय भी बहुत सारे लर्नर को यह था कि मैम सेकेंड कट ऑफ आएगी तो कितना, मतलब कितने मार्क्स का आपका कम होगा, कितना क्या होगा। तो देखिए, सेकेंड कट ऑफ अब आपकी यहाँ से आ चुकी है। अगर हम बात करें सेकेंड कट ऑफ की एमएड एजुकेशन में, तो इस बार आपका अनरिजर्व्ड के लिए 150 नंबर या इसके ऊपर दिया गया है। मतलब पहले आप देखिए कि काफ़ी इसमें आपको 10 नंबर तक का रेंज देखने को मिल रहा है, पहले 159 या इसके ऊपर था, आप देखिए कि 9 नंबर इन्होंने पीछे गए हैं। तो इसकी सीधी सी चीज़ है कि आगे जब आपकी थर्ड कट ऑफ आएगी तो ये आपका और पीछे जा सकता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। जिसका भी मान के चलिए अगर आपका 3 से 4 राउंड में होता है तो 135 के प्लस अगर किसी का है, 135 से 40 के प्लस है, तो उसका यहाँ होने का चांस यहाँ पर अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपका 150 नंबर। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 142 नंबर, 142 या इसके ऊपर है तब आप ओबीसी के लिए जो है एलिजिबल हैं एमिड एजुकेशन में कराने के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पर 147 नंबर, कितना नंबर चाहिए, 147 नंबर या इसके ऊपर। वहीं अगर एसटी की बात करें, एसटी की बात करें तो एसटी आपका 74 या फिर इससे नंबर, और एससी की बात करें तो एससी 120 या फिर इसके ऊपर नंबर। क्लियर है इतना, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अनरिजर्व्ड को 150 नंबर या इसके ऊपर, और ईडब्ल्यूएस को 147 या इसके ऊपर आपको चाहिए, इसके साथ ओबीसी को 142 या इसके ऊपर, एससी 120 और एसटी को 74 या इसके ऊपर मार्क्स। अच्छा, अब आप कब से कब तक, जिन लोगों का इसके बीच में आया है या जो लोग पहले वाले काउंसलिंग में, जैसे मान लीजिए कुछ लोग के डॉक्यूमेंट अपलोड में प्रॉब्लम है, तो अगर जिनका पहले काउंसलिंग में था और हो सकता है किन्हीं कारणों से वो न कर पाए, तो सेकेंड काउंसलिंग में भी वो एलिजिबल हैं। अगर आपका नहीं हुआ है, जो भी समस्या है, आप उसमें दोबारा से अपना करके जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया वो आप इसमें कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आपका फर्स्ट काउंसलिंग में था, आप नहीं कर पाए तो सेकेंड में नहीं कर सकते, आप तब भी एलिजिबल हैं। इतनी बात साफ है। अब देखिए, जो लोग का आया है सेकेंड में, ये 2 से 4 तारीख, मतलब कल से, कल 2 अगस्त है, कल से आप इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब काउंसलिंग की प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया आपने देखी होगी, और जिन लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक कमेंट में, कैसे कैसे प्रक्रिया कर, मतलब रजिस्ट्रेशन आपको करना है, क्या प्रॉपर स्टेप हैं, किसके बाद क्या चीज़ें आएंगी, पूरा मैंने विस्तार से आपको बताया है। और एग्जाम्पल भी एमिड का ही है, तो आप ईजिली देख कर पता कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे होगा, उसके बाद क्या ऑप्शन आएगा, सारी चीज़ों को। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ कंसनट्रेट होकर के, ट्रस्ट करके आप उस वीडियो को देखिए, और साथ ही अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं ईजिली स्टेप्स में, ठीक। 4 तारीख जो आपका है, ये तो सबको पता है कि 4 तारीख को दोपहर 2 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन और अपलोडिंग सब हो जाना चाहिए, और 4 अगस्त शाम 5 बजे से पहले आपकी फ़ीस सबमिट हो जाती है, तब आपकी सीट यहाँ पर अलॉट हो जाएगी। इसके साथ एक और बात आपको बताऊँगी कि जो लोग कह रहे हैं कि एडमिशन कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि माइग्रेशन और टीसी आप 21 दिन के भीतर आप जमा कर देंगे, नहीं जमा करेंगे तो भाई जो विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, वो इस पर कार्रवाई करेगा, तो यूनिवर्सिटी कार्रवाई करेगा। तो 21 दिन उसमें लिखा हुआ है, आप उस गाइडलाइन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि भाई आपका जो एडमिशन कार्ड है जब आप उस टीसी माइग्रेशन को सबमिट करेंगे तभी आपको मिलेगा। अब वहाँ से डाउनलोड से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये लोग लिख तो देते हैं किंतु उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो कन्फ्यूज़न अभी भी है। और इसके साथ मैं आपको फिर से एक बार कहूँगी, जिन बच्चों का एमएड है, जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, एमएड एजुकेशन के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आप उनका नंबर मैंने बताया है कि ऑनलाइन आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल, आप गूगल पे जाइए, वहाँ डालिए इलाहाबाद टेलीफोन कांटेक्ट, वहाँ पे आपको सबका आ जाएगा। एमएड एजुकेशन के हेड हैं डॉक्टर प्रोफेसर धनंजय यादव सर, आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर मैंने सब कुछ भर दिया है, वो आपकी समस्या का निवारण करेंगे। जिसकी उसकी समस्या है, वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट का नंबर या फिर मेल के थ्रू किसी भी तरह आप करिए,
ठीक है, आप एक एक अप्रोच करेंगे जब अपनी लाइफ के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे पर डिपेंड होकर के इस चीज़ को मत देखिए। क्लियर है इतनी बात? तो इसके रिलेटेड जो भी समस्या है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया जिसका रिजल्ट की प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों में, अभी तक इसका कोई निवारण नहीं किया गया है, ये सीधी सी बात है। तो जिसके पास नहीं है भाई, या तो वो लास्ट काउंसलिंग तक इंतज़ार करे कि उसका रिजल्ट आ जाए, या फिर आप अपने कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी पर प्रेशर करिए कि सर आप हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द दीजिए। एटलीस्ट मान के चलिए कि आप कम से कम 8 अगस्त से पहले आपको रिजल्ट आपका मिल जाए तो मे बी कुछ चांस है। क्योंकि जब मेरी भी बात सर से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर आप लास्ट तक भी अगर आप रिजल्ट लेके आ जाते हैं तो चूंकि आपका नंबर ज़्यादा है, आप फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में अगर आपका है तो आपको वहाँ पर प्राथमिकता देकर आपका कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कोशिश करनी है, फिर आगे तो देख ही सकते हैं। आपका कार्य है अपना कर्म करना, उसके आगे सब भगवान की मर्जी। तो चलिए इसी के साथ एमएड एजुकेशन की सेकेंड कट ऑफ आ गई है। जैसे ही थर्ड कट ऑफ आएगी हम आपको तुरंत अपडेट कर देंगे इसके, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल से जुड़े रहें हमारे साथ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।